रूट टचअप बाय आरती। आरती कहती है मेरी शक्ल ना दिखाओ। आरती की शक्ल बहुत सुंदर है और आरती की उम्र का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लगेगा कोई 25 साल की है आरती, पर आरती बड़ी है ना आरती? कितनी बड़ी हूँ मुझे क्या पता, तू ही कह रही थी मेरी बच्चे हैं बड़े बड़े। नहीं बड़े बड़े होते हैं, एक 8 साल का बच्चा, एक 6 साल का, एक 8 साल का बच्चा, एक 6 साल का, 30 साल की होगी और कितनी की होगी? नहीं मैं 26 साल का हूँ। 26 साल की है? तो तू क्यों बोल रही थी मैं बड़ी हूँ? नहीं ज्यादा बड़ी नहीं। अच्छा तो फिर ठीक है, गरम गरम चाय का प्याला और आरती से रूट टचअप। तो दोस्तों कितना सुख है आरती का, यम्मी चाय सामने बैठी है मेरे, बिल्कुल मेरे को देख रही है कि हाँ मैं बैठी हुई हूँ, तो वो सामने जाके बैठी है कि सिक्योर है कि यहीं पर है मम्मी बैठी हुई, कहीं दूर तो है नहीं, तो मैं उस कमरे में जाऊंगी तो उस कमरे में भाग के आ जाऊंगी। चलो जी बालों को हमने रंग लिया है, साथ में माथे को भी रंग लिया है, कभी यहाँ कभी वहाँ। क्यों टुक टुक, कभी यहाँ कभी वहाँ? तो लो जी हमारे सुबह की ड्यूटी एक खत्म होगी कि हमारे कपड़े धुल के आ गए हैं, अब जा रहे हैं हम इनको सुखाने के लिए। पानी कर नहीं आया मम्मा को, जाके बैठ गया बुदलू कहीं का मम्मा का बुदलू। आ जाओ ऊपर। अच्छा ना दिन में एक दो दफा मेरी माँ बन के मुझे प्यार करने आती है, स्पेशल आती है मुझे हग करने, किसी भी तरह से टुक टुक करती है, ऐसे सच कह रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह से काम निपटाते अभी मैं नहा कर आई हूँ, सिर पे कलर लगाया हुआ था, तो पहले मैंने आज सुबह उठ के मैंने टुक टुक को वॉक कराई है, खुद वॉक नहीं करी है, थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही थी मैं, तो मैं लेट उठी हूँ। आरती से काम कराया है, कपड़े सूखने डाले हैं, कपड़े धुल चुके थे, रात को तो कपड़े धोने को डाल देती हूँ मशीन में, तो कपड़े धुल के आ जाते हैं, तो कपड़े सूखने डाल दिए मैंने, फिर आरती से सिर पे कलर लगवाया, उसके बाद छोटे मोटे काम निपटाए हैं और अब मैं नहा धो के आपके सामने आ गई हूँ। अब ब्रंच के लिए मैं बनाने लगी हूँ अपने स्टाइल में मूली का परांठा, तो आइए आप इंजॉय कीजिए कैसे मैं मूली का परांठा बनाती हूँ। फ्रेंड्स थोड़ा सा ना इसको कैमरे की सेटिंग में प्रॉब्लम है किचन में, मुझे अभी प्रॉपर तरीके से इसको सेटिंग करने नहीं आ रही, फिर भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये देखो मैंने मूली कद्दूकस कर लिया और मूली के पत्ते काट के डाले हैं, अभी ये मूली के पत्ते कम डाले हैं, मूली के परांठी में जितना ज्यादा मूली के पत्ते डालोगे ना वो उतनी ज्यादा मूली टेस्टी बनेगी। ये थोड़ी सी अदरक काट ली है और ये हरी मिर्च काट ली है, अब इनको दोनों इसको मैं मिला दूंगी और नमक इसके बीच में नहीं डालूंगी, मैं डाल रही हूँ इसमें चुटकी भर अजवाइन, ज्यादा अजवाइन मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं थोड़ी डाल रही हूँ क्योंकि मैं ये अपने लिए बना रही हूँ। ये डाल दिया अजवाइन और ये डाल दिया काली मिर्च, आधा चम्मच के करीब इसमें मैंने काली मिर्च डाल ली है। अभी इसको सबको मिक्स कर दिया, हरी मिर्च मैंने इसमें डाली है वो बहुत तीखी है, बहुत ज्यादा तीखी है, इसलिए मैं लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ काली मिर्च डाली है। नाक में चढ़ गई है। फ्रेंड सबसे पहले ले लेना है हमने आटे का पेड़ा, उसको थोड़ा सा फैला लेना है, ये ऐसे फैला लिया, इसमें थोड़ा सा लगा देना घी, ज्यादा नहीं लगाना, ज्यादा तो मोटे होना, और उसके बाद इसमें ऐसे करके नमक डाल दिया, मैंने डाल दिया नीचे था इसमें आटे के पेड़े पे नमक डाल दिया। अब दोस्तों आप दाल मिर्च डाल सकते हो, गरम मसाला डाल सकते हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला, मैं सिर्फ ऐसे ही खाना चाहती थी, मूली और मूली के पत्ते के एरोमा को महसूस करना चाहती हूँ।
तो ये देखो भर भर के मैंने मूली डाल दी है, भर भर के मूली डाल दी है। अब इसमें एक बार नमक डाल दूंगी ऐसे, ठीक है, और फिर अब इस पेड़े को बंद कर दूंगी। बंद करके अब मैं इसे बेलती हूँ। में अगर नमक डालोगे तो बहुत अच्छी तरह से मूली निचोड़नी पड़ेगी, क्योंकि नमक डालते ही मूली जो है वो बहुत सारा पानी छोड़ देती है, और उससे क्या होता है कि मूली का टेस्ट गायब हो जाता है, वो फोकी फोकी सी मूली रह जाती है। इसलिए मैं बीच में नमक नहीं डालती हूँ, मैं बाद में नमक डालती हूँ। तो ये देखो, ये मेरा मूली का परांठा, दो परांठे बनाने हैं मैंने, दो परांठे मैं बना लेती हूँ। दोस्त फ्रेंड्स, परांठा खाने का मजा तो था मम्मी के हाथों का। मेरी मदर बहुत अच्छे परांठे बनाती थी, स्पेशल उनके आलू का परांठा तो उनका स्पेशल होता था। हम लोग, मैं स्कूल से कॉलेज से वापस आते थे, गरम गरम वो परांठे बना के देती थी हमको, या सुबह के वक्त भी हम लोग मोस्टली खाना खा के नहीं जाते थे, और दोपहर के वक्त हमें अच्छा लगता था कि मम्मी गरम गरम परांठा बना के दे। तो दोस्तों, माएँ चली जाती हैं, यादें छोड़ जाती हैं, और जिनकी माएँ और पेरेंट्स हैं ना, उनको कस के गले लगा के रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता। हमने अपनी मम्मी को दिया हुआ था ग्रांटेड, हमें लगता था कि मम्मी तो हमेशा है, कभी सोचा ही नहीं, वो तो सदमा ही लेके चली गई। ऐसे कोई गुरुजी थे मेरी सिस्टर के, वो बताते थे कि मम्मी बहुत ओल्ड एज में जाने वाली हैं, उनके हाथ में डंडा आ जाएगा, वो बहुत मुश्किल से थी। तो हम लोगों ने ग्रांटेड नहीं लिया था कि मम्मी तो पता नहीं कब तक, हम बुढ़े हो जाएंगे, यानी हम मरने वाले हो जाएंगे, तब तक मम्मी वहीं पर रहेंगे हमेशा। तो हम लोगों को ये मतलब ऐसा ही लगता था। तो वो लाड माँ से जब तक लेना था तब तक ले लिया, उसके बाद वो चली गई। तो सबसे गुजारिश है, सब देखने वालों से, कि अपने माँ बाप को बहुत प्यार करें। वो चले जाते हैं, खिसक जाते हैं, पता ही नहीं चलता कैसे चले जाते हैं, और फिर अपना तड़प जाते हैं। सिर्फ माँ से अगर आप अपनी लड़कियाँ खासकर अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करती है ना, और माँ सुन लेती है ना, बेटे को तसल्ली देती है, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तसल्ली रख, ऊपर वाला बैठा है। मेरी माँ हमेशा बोलती थी, भगवान जी एक रास्ता बंद करते हैं तो कई रास्ते खोल देते हैं। तो मुझे ना एक छोटी सी कथा सुनाती थी, उससे पहले वो एक तो पंक्तियाँ बोलती थी, पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कि ऊपर वाला ने ना सबका हिसाब किताब बनाया हुआ है, तो वो सबको भूखा नहीं सोने देगा किसी को। वो अपने कर्मों के अकॉर्डिंग हम लोग लिखवा के लाए हैं अपनी जर्नी, तो वो तो चली गई, लेकिन ऊपर वाला ना जर्नी में भी हमें इस तरह से बना के रखता है कि कहीं ना कहीं से आपका आप भूखे ना सो। ऐसी स्टोरी भी मम्मी सुनाते थे, वो एक आदमी जंगल में गया और पेड़ पे चढ़ गया, कहता मैं पेड़ पे बैठा हूँ, बिया बन जंगल है, देखता हूँ कैसे भगवान जी मुझे खाना खिलाते हैं। तो ये बहुत पुराने टाइम की बात है, उस वक्त चोरों ने ना कोई बैलगाड़ी लूटी थी, तो बैलगाड़ी लूटने के बाद उसमें उन्हें जब लूट के मालिक के साथ उन्हें खाने का डिब्बा भी मिला, तो उन्होंने कहा कि खाने का डिब्बा जो है, इसमें जो खाना है कहीं इस खाने में जहर तो नहीं है। अब वो चार पांच चोर थे, वो सब तू खा कोई भी नहीं खाया, तो उनका अचानक ना ऊपर से जो आदमी चढ़ा हुआ था उसकी छींक की आवाज सुनाई थी। तो जैसे उन्होंने उसकी छींक की आवाज सुनाई थी, तो उन्होंने बोला, उसको बोला नीचे आ खाना खा। वो कहता मैं तो नहीं नीचे आऊंगा। तो वो बोलते रहे नहीं नीचे आया। अब चोरों को ये था कि इसमें कहीं इसको वो चखा दें कि कहीं जहर तो नहीं है। एक चोर ऊपर गया, उसको खाना खिलाया, उसके मुंह में उसको दिया खाना खाने को कि खाना खा। उसने जब खाना खाया तो चोर नीचे आया, उसने अपना खाना खाया। तो देखा, भगवान जी कभी किसी को भूखा नहीं छोड़ते। तो ये मेरी मम्मी की बताई हुई बातें हैं। दोस्तों 1:30 हो गए हैं, मुझे अब सुबह से अब खाना नसीब हो रहा है। अकेले रहने के सुख भी बहुत हैं, दुख भी बहुत हैं। ज़िंदगी में आने वाली अड़चनों का सामना करते हुए ये मोनिका आगे बढ़ती है। बहुत भूख लग रही है, बस बाहर से क्या मंगवा लेगा बंदा, कितना खा लेगा बाहर से। बेटा था तो वो मंगवाता था, मैं कुछ भी खाती थी। इन परांठे में कोई और मसाला ना होने की वजह से मूली का और मूली के पत्तों का फ्लेवर आ रहा है, काली मिर्च और अदरक का फ्लेवर आ रहा है। दोस्तों जिंदगी ना बहुत इम्तिहान लेती है, हर पग पर एक इम्तिहान आपके लिए खड़ा रहता है। जिंदगी का बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। तो गिरते पड़ते उठते इतना टाइम निकाल दिया, और फिर एक नई जिंदगी के साथ मैं रोज आपके साथ आती हूँ, नई स्माइल के साथ, नई खुशी के साथ। जिनको हौसला नहीं है, मेरी स्माइल देख के उनको हौसला आए कि बच्चे, कई लोगों के बच्चे दूर हैं, फॉरेन कंट्रीज में हैं, कई लोग सिंगल पेरेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कभी हिम्मत ना हारें,
चलते रहे चलते रहे, बस चलते ही रहे। फ्रेंड्स आज क्या बताऊं, आज इतनी अजीब सी बात होगी कि टुकटुक को सुबह से दूध दिया था, दूध उसने पिया नहीं और मैं उसके बाद वो अपना बिजी थी, मैं अपनी बिजी थी, मैंने अपना खाना बना के खा लिया और जब मैं खाना खाई थी उसने मुझे इतनी जोर जोर से टैप किया, ओहो मुझे याद है इसको तो खाना नहीं दिया, अब इसको खाना दे रही हूँ। हाँ जी आप अंधेरे कमरे में क्यों बैठे हुए थे? अच्छा लांग मारी और वो गया तो वो गया, कपड़ों पे बैठेगा मम्मा के, मम्मा ने क्या मचाया हुआ है मेस। कौची चीची खा रहा है, कौची चीची खा रहा है मम्मा का बाबू। ये छोड़ना, तू है मेरा बाबू है, बाबू है ये देख। फ्रेंड्स आज का भी दिन कोई बिजी बिजी ही निकल गया ऐसे, कोई आ गया था मुझे जानने वाला जिसको शॉपिंग करनी थी और हर कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं होते तो मैं शूट नहीं कर पाई, तो थोड़ा सा वैसे ही उनके साथ टाइम बीत गया और मेरे को मार्केट में मेरा भी कुछ काम था, मेरा फ़ोन जो था उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही स्टोरेज की, अभी नया फ़ोन है लेकिन वो तो अगर मैं वन प्लस के सर्विस सेंटर जाती तो वो लोग शायद मेरा फ़ोन रख लेते, तो मुझे मेरे पास अभी कोई एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं है तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती, तो मैंने कहा यहाँ पर किससे पूछ लेता हूँ, मोबाइल की रिपेयरिंग की शॉप थी वहाँ चली गई, तो वहाँ पर जो पर्सन था उसने बताया कि इसमें देखता हूँ, उसने देखा कुछ क्लीन कर दिया और जो मुझे नज़र नहीं आ रही थी फाइल्स भी पूरा क्लीन नहीं हुआ लेकिन काफ़ी हद तक क्लीन कर दिया जिससे कि मैं आगे का काम अपना कर सकूं, बाकी इसमें कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो मुझे नज़र नहीं आ रही लेकिन इसके अंदर हैं जिसके कारण ये आपकी स्टोरेज भरी हुई दिखा रहा है, तो उस वक्त मेरे को वहाँ पर पेन ड्राइव नहीं मिली जो मेरे को जितनी GB की बता रहा था, तो उसने कहा एक हफ्ता यूज़ करो उसके बाद देखते हैं, तो इस तरह से मेरा ये काम थोड़ा सा तो सॉर्ट आउट हो गया, मैं घर आई थोड़ा सा फ्रूट खाया और अब दूध पी रही हूँ, तो इस तरह से मेरा आज का दिन निकल गया। जो कुछ हुआ वो आपके साथ शेयर कर दिया सुबह से लेके अब तक, बस यही सब किया है मैंने आज, और अभी 8:30 हो रहे हैं और मैं भी अपने इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज़ सेकेंड इनिंग विद मोनिका, तो फ्रेंड्स आप बेल आइकन जरूर दबाएं और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, अपना प्यार दें, आई लव यू ऑल।